हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप टू यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी जस्ट मैं नहा था कि आज बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं अपना कुछ काम करने लगी थी एंड पूरे दिन बारिश हो रही है आज, मतलब और मौसम भी काफ़ी ठंड हो रखा है, ठंड सी लग रही है, मतलब हल्की हल्की सी ठंड जैसे बारिश में होता है ना। और बच्चे आ गए हैं, वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ। लोगों का टीवी और यहाँ दोनों बैठे हुए बेटा, ये सब ऐसे ऐसे कोई फैला के बैठा है। बेल्ट यहाँ पे है, बैग वैग तो अपनी जगह पे रखना चाहिए। फिर से ये लंच बैग, और यहाँ पे ये सारे सब्जियाँ ऑनलाइन आई हुई हैं, तो ये सारे मुझे सारे रखने हैं। अब देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। मैं तो परेशान हूँ, यही वो कारण है जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मार्केट से जाके सब्जी लेके आए, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे पता भी नहीं चलता है, ऑनलाइन सारी सब्जियाँ आ जाती हैं। जब आती हैं तब मुझे पता चलता है कि हाँ सब्जियाँ आ गई हैं ऑनलाइन। तो चलिए, बाकी पैकेजिंग अच्छी है इस तरीके से, अगर मैं फ्रिज में उठा के रख दूंगी तो इसकी पैकेजिंग अच्छी है, इस तरीके से मैं उठा के सिर्फ फ्रिज में भी रख सकती हूँ, और सिर्फ फ्रिज जो है गंदा भी नहीं होगा और सब्जियाँ भी फ्रेश रहेंगी। कंटेनर भी रख लें अगर खुल जाए तो, नहीं तो ऐसे पैकेट की समेत ही मैं रख दूँगी, क्योंकि पैकेजिंग रियली में काफ़ी अच्छी है। और चलिए मैं बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ, फिर बातें करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी, बहुत सादी सी लंच है, दाल चावल घी के साथ अचार, मेरी घर मतलब मेरी माँ के हाथ वाली अचार। तो चलिए बच्चों को पहले दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने प्लेट्स ले जाऊंगी। तो इस तरीके से आज का लंच, सब्जी मैं ऑलरेडी यहाँ पे कट करके रखी हूँ जो कि मैं बनाऊंगी, तो ये मैं बना लूंगी डिनर पे। तो चलिए फटाफट से बच्चों को लंच करा देते हैं और हम भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद, और बच्चे देख रहे हैं टीवी, मैं ये निपटा ले रही हूँ सारे काम। जो कि सब्जियाँ आई हुई थी ना, तो ऐसे ही टेबल पे पड़ी हुई थी, तो मैं सोची चलो इसे मैं हटा देती हूँ, फ्रिज में ऐसे ही डाल देती हूँ। फिर मैं क्या खोल के अलग अलग रखने के लिए जाती, तो मतलब इतने सारे कंटेनर्स में मैंने कुछ कुछ सामान रख रखा है जिसमें कि मैं सब्जियाँ रखती हूँ। और फिर से ऐसे था ना कि ऐसे अगर रख देती तो सब्जियां फ्रेश भी रहती, और इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा टाइट थी ना कि जल्दी मैं फाड़ भी रही थी ना तो हाथ से नहीं फटा था, जबकि पेपर बैग है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज के बास्केट में सारी सब्जियों को अच्छे से रख दे रही हूँ। जो मतलब हेवी वाली सब्जी है वो मैं नीचे की तरफ रख दे रही हूँ, बाकी जो हल्की पत्ते वाली सब्जियाँ हैं या फिर जो जल्दी दबके ख़राब होने वाली हैं वो सारे मैं ऊपर डाल दे रही हूँ। हाँ, फ्रूट्स में एप्पल मंगाया था हम लोगों ने, तो एप्पल भी आया, तो उसे मैं पैकेज के साथ ही मैंने साइड में रखा है। और यहाँ पर मैं ड्राई कोकोनट रखी हूँ फ्रिज में, इसे मैंने डब्बे में नहीं रखा है, ऐसे ही मैं निकाली थी। ये भगवान का चढ़ाया हुआ है, ड्राई नहीं था लेकिन ड्राई हो गया है। तो सारी सब्जियां जो है यहाँ पे बास्केट में इसी तरीके से डाल दे रही हूँ, जब मुझे बनानी होगी मैं इस तरीके से निकाल के ले जाऊँगी। और यहाँ पे ये मिर्च का पैकेट है वो साइड में रख दे रही हूँ, और इस पन्नी में मैंने रखा है करी लिप्स। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद, बच्चे थोड़ी देर खेलने के लिए गए थे बाहर, खेल के आए, तो मैं इन लोगों को करा रही हूँ होमवर्क। तो यहाँ देखिए शिवांगी को, ये पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आराम ऐसे करने लगती है। बच्चे थोड़ी देर पढ़ते नहीं है कि लगता है कि उन्हें कितनी थकान हो गई। इन लोगों को मतलब घर पर आधे घंटा या एक घंटा पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो शाम के टाइम में थोड़ा देर मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर इनके पापा जब आते हैं ऑफिस से तो थोड़ी देर वो पढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी देर टाइम मिल जाता है बीच में, तो आधे आधे घंटे के गैप पे हम लोग इस तरीके से पढ़ा लेते हैं। दिन में बच्चों को स्टडी कराने के बाद आ गई थी किचन में। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा कप केक बनाइए, तो मैं सोची चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है, हस्बैंड आ गए हैं तो चाय मेरी रेडी हो गई है। मैंने सोचा कि चलो पहले उन्हें चाय दे ही देते हैं और उसके बाद मैं बाकी काम स्टार्ट करूँगी। फिर दूसरी साइड मैंने भगोना में भी थोड़ा सा पहले का दूध था तो वो मैं रखी थी, यहाँ पे कटोरी में थोड़ी सी मलाई थी वो मैं रखी थी, तो थोड़ा सा इधर सामान फैला हुआ है।
तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया हुआ है, जो मेजरिंग कप होता है ना उससे, और फिर मैंने मैदे में डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और फिर ना मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनो का यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपना यहाँ पर दिमाग लगा रही थी, और यहाँ पर दूसरे कप में ना मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ही दही ले लिया है, और फिर तो ये जो पाउडर का मिक्सचर है वो मैं अलग बेसन और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सब मिक्स करके मैं एक बाउल में रख दी हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ, कोको पाउडर, ताकि ना थोड़ा सा चॉकलेटी लगे। तो ये वाला जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी और बाकी की तैयारियाँ फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं दूसरे बाउल में करूँगी। यहाँ पे जो है मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, उसमें मैंने डाला ऑयल, तो आप चाहे घी बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ली हूँ और थोड़ा सा बटर ली हूँ, क्योंकि बटर मेरे पास इतना ही बचा हुआ था। फिर मैं जो मेज़रमेंट के हिसाब से जो मैंने कर लिया था वो मैं डालती हूँ, और सबको अच्छे से हमें फेंट लेना है विस्कर के हाथ से। और यहाँ पे मैंने शक्कर का पाउडर बना के रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारे मिक्सर एक साथ जो है हमें तैयार कर लेना है, और जैसे कि ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, फिर मैं ऊपर से डाल रही हूँ वनीला एसेंस थोड़ा सा, ये ऑप्शनल भी है, चाहे डालें ना डालें। तो और उसके बाद जो मैं पाउडर तैयार करके रखी थी ना मिक्सचर का, वो इसमें डाल दे रही हूँ, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं रही हूँ कि मतलब क्या मेथड होता है, क्या प्रोसेस होता है, जस्ट जो जो मैंने किया है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आगे देखिए क्या होता है मेरे साथ। तो यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध लेके और यहाँ पर जो है कप केक का बैटर तो तैयार कर लिया है। बैटर अच्छे से मेरा तैयार हो गया था, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं था कि हाँ ये देखने में भी लग रहा था कि बहुत अच्छा मेरा सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे पेपर कप ले लिया था और माउल ले लिया था जो इसमें कि हम बेक करेंगे, तो उसमें मैंने एक एक स्पून सब में सारे माउल्स में मैं ये बैटर डालते जा रही हूँ, क्योंकि ये फूलेगा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आएगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा ही डालना है। तो चलिए, मैंने ओवन को फ्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है, तो इसके साथ ही मैंने ना दो, जैसे कि बैटर ज़्यादा था तो मैंने दो जगह ले लिया। फिर मैं सोची कि माइक्रोवेव का स्टैंड मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसके ऊपर एक और भी रख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे पहले एक जो माउल है वो मैं रख दे रही हूँ माइक्रोवेव में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करके, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मतलब जितना हमें टेम्परेचर चाहिए और जितनी देर तक का हमें चाहिए उस हिसाब से हमें सेव कर लेना है। और दूसरा मैं यहाँ ना पैन में बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने रखा था तो पूरा ये बंद नहीं हो रहा था, मैंने नीचे एक बाउल डाल दिया था तो उसे मैं हटा के और फिर बाउल में ना इस तरीके से एक पैन में भी डाल दी हूँ, और इस तरीके से ढक के मैं सोची कि बना लूँ। तो यहाँ देखिए जो कपकेक बन के आया, क्या हाल हो गया है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का कपकेक मेरे से बनेगा। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं बनाई हूँ, पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब होगा मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा कि अब मैं कान पकड़ती हूँ, मैं कभी भी बेकिंग खुद से तो कभी नहीं करूँगी घर पर। पता नहीं आज क्या हो गया है, आज मैंने ये बनाया कपकेक पूरा खराब, पूरा मतलब एक तो वो फूला भी नहीं अच्छे से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, और जल भी गया एकदम बकवास, वेस्ट हो गया। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, बच्चों को दूध दे के पूरा सर दुखने लगा है की वजह से बनाया। लास्ट टाइम अच्छा बन गया था, पता नहीं इस बार क्या हो गया है। चलो कुछ खराब हो जाता है तो मूड ऐसे ही खराब हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। हाँ। मैं अभी जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, बच्चे सर दर्द हो रहा है और दूध इतना खटिया था, दूध हाँ पता नहीं दूध में क्या प्रॉब्लम हो गया जो आप दूध, पता नहीं आज जो दूध आया है वो भी पता नहीं उसमें अजीब सा दवा जैसा टेस्ट आ रहा है, आजकल ओरिजिनल दूध भी नहीं आ रहा है।
तो अभी आ गई हूँ यहाँ पे किचन में मैं डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ सब्जी आलू और पटल की। तो यहाँ पटल जो है भूंग गई है, मैंने उसमें डाल दिया कटी हुई आलू। और फिर आलू थोड़ा सा जब भूंग जाएगा फिर मैं बाकी के जितने भी सामान है वो सारे मैं इसमें डालूँगी, मतलब बाकी के इन्ग्रीडियंट्स। तो थोड़ा सा वही है, मूड अपसेट सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइसेस में प्याज कट कर लिया था, तो ऊपर से बाद में मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जियों को भून लेती हूँ, आलू को और पटल को। फिर मैं खड़ी लहसुन इसमें डाल दी हूँ छिलका निकाल के। और इस सब्जी में ना मैं मोस्टली खड़े मसाले यूज़ करने वाली हूँ, बाकी सिर्फ मिर्च हो गया और हल्दी ये सारे मैं डाल रही हूँ पाउडर। बाकी जितने भी मैं मसाले डालूँगी सारे खड़े मसाले डालूँगी क्योंकि आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से सब्जी बना रही हूँ। इस तरीके से ना सब्जी तो जल्दी बनती है और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं इसमें ज़्यादातर मसाले में बहुत कम मसालों का यूज़ कर रही हूँ, जितने भी खड़े गर्म मसाले होते हैं ना तो वो सारे मैं इसमें डाल दी हूँ और कूट के, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले डाल दिया इसमें और नमक भी मैं डाल दी हूँ, और फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर मैं इसमें एक कटी हुई टमाटर डाल दे रही हूँ और इसे हमें मिक्स कर लेना है। और थोड़ा मतलब अगर हमें ग्रेवी वाली चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालेंगे। तो मसाले भून गए हैं, मैं इसमें डाल दी हूँ पानी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए। और उसके बाद फिर मैं इसका लीड बंद कर दूँगी और आराम से 3 बजे लाने तक हमें सब्जी को पकाना है, देन हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है, मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना दिया है, वो लोग स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन मतलब बहुत ज़्यादा फैला रहता है, अगर आप सुबह का कुकिंग करते हो ना तो ऑब्वियसली किचन बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो सारे मैं किचन समेट रही हूँ और किचन क्लीन कर रही हूँ। तो जब तक कि मैं ये सारे क्लीनिंग, किचन का क्लीनिंग और पूरे घर की जो बेड है सोफ़ा है ये सारे मैं जब तक क्लीन करती हूँ तब तक आंटी का आने का टाइम हो जाता है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। तो उसके पहले मैं ना अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, सारे बर्तन जो है खाली करके मैं सिंक में डाल देती हूँ फूलने के लिए, ताकि जो भी फूलने वाली बर्तन होंगी ना वो अच्छे से फूल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है मैं देखिए किचन अपना पूरा साफ़ कर ली हूँ। और मैंने ना इस बार रिफाइंड ऑयल चेंज करके मैंने ना बादाम का तेल मंगाया हुआ है, बादाम बोले तो ग्राउंडनट का ऑयल। अब मैं पूड़ियाँ तलने के लिए, पराठे बनाने के लिए ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ करूँगी क्योंकि रिफाइंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। या तो आप ऑयल अपना चेंज करें या फिर घी का यूज़ करें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस बार चेंज करते हैं, और वो फालाहार के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और किचन साफ़ करने के बाद आ गई मैं रूम में। तो ये रूम में तो हम लोग सोते नहीं हैं, मतलब जैसे कि बच्चे खेलते हैं या स्टडी करते हैं तो इस फिर भी ये फैला रहता है। और सुबह के टाइम में मैं बच्चों को इसी रूम में रेडी करती हूँ सब कुछ, तो ऑब्वियसली थोड़ा फैल जाता है। तो मैंने ना इस पे ये ब्लैंकेट डाला, उसके ऊपर से मैं बेडशीट डालूंगी, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और तो उसे मैंने उठा के झाड़ लिया अच्छे से, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ना तो टेबल पे वो लोग कम ही पढ़ते हैं, बेड पे ही मोस्टली पढ़ते हैं। और इरेज जब भी वो कुछ गलत हो जाता है इरेज करते हैं, इरेज करके ऐसे बेड पर ही झाड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उससे गंदा हो जाता है। तो मैं इसका इस पर बेडशीट भी डाल दी। और अभी बारी आएगी दूसरे रूम की, देन सोफ़ा वगैरह की। तो इस तरीके से कर करके मैं अपने सारे पूरे काम निपटाते रहती हूँ। बच्चों के जाने के बाद भी 1 घंटा तक मुझे मतलब टाइम नहीं मिलता है, थोड़ी देर मैं बैठती हूँ उन्हें छोड़ के आने के बाद, थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आते ही मैं भागने लगती हूँ। मतलब जैसे कि हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद बैठती हूँ क्योंकि वो भी 8:30 में निकल जाते हैं, तो उनके आते ही मतलब उनके जाने से पहले चाय बनाना, उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह देना, फिर मतलब उनकी सारी तैयारियाँ, वो 8:30 तक निकल जाते हैं। देन मैं फ्री होती हूँ, मैं थोड़ा देर 5-10 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो मैं उठा के रखी थी ना, ये सारे कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस रूम का बेडशीट वगैरह साफ़ करके। और तो ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके मैं डाल दूँगी, जिसका जो जो कपड़ा है जहाँ रखना है वो सारे मैं रख दूँगी। देन मैं हॉल का जो सोफ़ा वगैरह होता है उसका
कवर उठा के फिर उसका उसे डस्टिंग करना, तो ये सारे काम ऐसे निकल जाते हैं मेरे। तो ये मतलब एवरी डे का मेरा मॉर्निंग रूटीन है। सुबह के 6 बजे से जो काम स्टार्ट होता है, मतलब करते करते ना 10:30 मेरा हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे फिर बच्चों का जितना भी लंच बॉक्स होता है सब कुछ वॉश करके रखना रात में। एक बार मैं किचन को क्लीन करके सोती हूँ, देन फिर कुकिंग जो होती है मॉर्निंग की, उसके बाद की क्लीनिंग, तो मतलब करते करते 10:30 तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट डिनर ख़त्म करने के बाद। और ये सारे मॉर्निंग के रूटीन, तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना फोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, अलग अलग छोटे छोटे कपड़े उनके। फिर बारी आ गई मशीन में, मैं सुबह में कपड़े डाल देती हूँ वॉश करने के लिए, तो कपड़े धुल गए हैं, वो सारे मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे फैलाने भी हैं, और आजकल टाइम से मुझे कपड़े फैलाने पड़ रहे हैं क्योंकि वेदर सही नहीं हो रहा है। अगर नहीं फैलाऊँगी टाइम से तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, जबकि मशीन के धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रहा है, बारिश होती रह रही है, तो इस वजह से कपड़े जो हैं बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। बच्चों की स्कूल ड्रेस एवरी डे ही मुझे धोना होता है, वो लोग या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ वो लोग कपड़े अपना स्कूल ड्रेस 2 दिन पहन के जाए, नहीं तो मोस्टली मुझे वॉश करना होता है। फिर श्रेयांश को अलग से स्पोर्ट्स के लिए मुझे ड्रेस देना होता है, तो इस तरीके से करके ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उन लोगों के। फिर खेलने वो लोग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चेंज करते हैं, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है कपड़े फैलाने में और फोल्ड करने में मेरी। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से मैं बच्चों का कपड़ा फोल्ड कर ले रही हूँ, और बस बाकी इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी और नाश्ता वगैरह करूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।